हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी विद स्मार्टफोन अकेडमी। तो कैसे हैं माय डियर, कैसे हैं बच्चों आप लोग? बिल्कुल जबरदस्त, शानदार, मस्त, और जहां होंगे धमाल मचा रहे होंगे। नहीं सर, धमाल कहने से मतलब है कि भाई बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ पढ़ाई हो रही होगी आपकी, है ना? बिल्कुल धमाल मचा रहे होंगे। तो आज जैसे कि कल बारी किसकी थी, कल बारी थी पॉलिटी की और आज बारी है हिस्ट्री की। और आज हिस्ट्री में 30 सवाल देखेंगे। पहले बताओ आप लोग हैं कैसे, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी, कौन कौन जुड़े हमारे साथ भाई अभी तक, कितने लोग जुड़ चुके हो भैया, कौन कौन हैं सामने जरा देखें। गुड आफ्टरनून निरंजन, अंजलि, छोटू छलिया, क्या बात है। चलिए रोहित, काजल, है ना, शुरुआत करें क्लास की आज। और पता हमारी क्लास के शेड्यूल पता है ना विकास, क्लासेस शेड्यूल के बारे में पता नहीं कौन कौन सी क्लासेस कहाँ हैं? आइए देखें। तो भैया ये क्लास के शेड्यूल है माय डियर, रेगुलर 23 नवंबर के क्लास के शेड्यूल की बात करें तो 8:05 पे अभी आप देखोगे तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, 8:05 पे हम लोग पढ़ रहे हैं भाई SSC MTS GD फुल मॉक टेस्ट, और 10:05 पे हमने देख लिया। इसके बाद जो आपकी लेक्चर होंगी वो 4:05 पे रिवीजन सीरीज स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट MCQ, ये मिस मत करना बिल्कुल। और कल 4:05 पे हम लोग करंट इशू देखने वाले हैं, GI टैग, इंडेक्स, अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये कल। और 6:05 पे करंट अफेयर्स June 2021 इंपॉर्टेंट MCQ, और कल मैराथन है 6 बजे, 6 to 8 PM कल मैराथन होगा, कल की बात कर रहे हैं। और आज 10:05 तूफान ट्रिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स क्विज है, ठीक है। कबीरा की धुन सुनाई दे रही है माय डियर, इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि मैं जहां पर हूं अभी, आपने नाम सुना होगा राजथनवार गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। तो जब हिंदी महीना जो अगहन है ना, अगहन जब 5 दिन चला जाता है, कैसे कितने लोगों को हिंदी महीना पता है, अगहन जब 5 दिन चला जाता है तो एक यहां पे बाबा थे अंबेश्वरी बाबा, अभी गूगल करना अंबेश्वरी बाबा के बारे में पता चलेगा, वहां पर उनके जन्म तिथि के अवसर पर चादर चढ़ाए जाते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर मेला का आयोजन किया जाता है, उसी की तैयारी चल रही है, इसलिए आपको कबीर की धुन सुनाई पड़ रही है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो क्या पता कल और तेज हो तो फिर थोड़ा सा मैनेज कर लो, है ना। अब याद होगा कि 3 दिन बचे थे, यानी अब 2 दिन बचे हैं किसके लिए, तो SSC एंड बैंक जो ऑफर है 15% + 10% जबरदस्त तरीके से, 5% 10% किसका, तो रेफरल कोड एजुकेटर कोड बाबा 10, है ना, बिल्कुल याद रखना। आप ज्वाइन कर सकते हो, जितना फी देख सकते हो, 2 साल का फी, 5% और कम कर सकते हो आप क्रेडिट पॉइंट से, तो भाई फायदा उठाओ। क्लासेस 12:40 पे चलती हैं, नया बैच शुरू हो रहा है किससे, 27 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है कल से, 24 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है कल से, तो फायदा उठाइए, है ना, याद रखिएगा बिल्कुल। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड बाबा 10 लगाकर आप ज्वाइन करें। आइए सवाल नंबर 1 देखें। अलेक्जेंडर इन्वाडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, सिकंदर ने भारत पर किसके शासनकाल के समय आक्रमण किया था, कालाशोक, महापद्म नंद, महानंदिन, धनानंद, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। नमस्ते छोटी जी, क्या हाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 1, सिकंदर ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था बच्चे, धनानंद के शासनकाल में। तो यानी कह सकते हैं कि जब मौर्यों का शासन था, मौर्य का शासन था, तब सिकंदर आक्रमण किया था, कब, 326 BC में। इसीलिए कह सकते हैं कि धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करता है, धनानंद वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, या कहें कि मौर्य के पहले ये लास्ट शासक था जो गद्दी पर बैठा था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया और भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, लो
अभी जो आप चाह रहे थे मुंह मांगा जवाब, सर कल SSGD पूछा था कि सैफ कब 2019 की इस देश आयोजक था, बताओ। ओह माय गॉड, इसीलिए कहते हैं ना कि स्टैटिक जी के पढ़ो, लेकिन आप पढ़ते कहां हो, स्टैटिक जी के पढ़ा तो रहे, 4:05 पे आओ, आप कहां आना चाहते हो बताओ। कई सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होंगे आज 4:05 पे, ठीक है। तो भाई कौन है इनमें से, कोई नहीं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया भैया, धनानंद को हराया था, धनानंद को हराया। महापद्म नंद, ये नंद डायनेस्टी का फाउंडर है, जो पहला शूद्र शासक है, पहला शूद्र शासक, ठीक है, पहला शूद्र शासक महापद्म नंद ना होगा, बिल्कुल याद रखिएगा, नंद होगा यहां पे। शिशुनाग वंश का फाउंडर कौन था, हुआ था फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, कालाशोक, नंदीवर्धन, नागदशक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्यों गलती कर बैठे बताओ, ऐसे क्वेश्चन गलती करोगे भाई प्रॉब्लम हो जाएगा माय डियर। तो कौन है शिशुनाग वंश का फाउंडर, कौन है जब बताइए, शिशुनाग का शिशुनाग ही है भाई, शिशुनाग का कौन है, शिशुनाग ही है, शिशुनाग का शिशुनाग ही है, बिल्कुल याद रखिएगा, नन होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट की बात करें, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी, ड्यूरिंग हुज रीजन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट वैशाली, शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, नागदशक। क्वेश्चन नंबर 4, अनअकैडमी से कॉल आया था, तनिषु जी ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप SSC ज्वाइन करना चाह ही रहे थे, आप बोल ही रहे थे तो ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफर भी है कि 15% अनअकैडमी दे रहा है, 10% बाबा टेन दे रहा है, तो 5% आप क्रेडिट पॉइंट होगा। तो कौन है भाई, कालाशोक, याद होगा, एके एके, पहला अजात शत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर, और महाकश्यप, सावक मीर, मोगले पुत्रस्य और वसुमित्रा, ये तो है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, बता बच्चे, 383 में वैशाली, कालाशोक, बिल्कुल सही है, लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, नागदशक, नागदशक बेटा, मैसेज आ गया, कौन है, नागदशक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक की बात करें तो कौन है, है ना, आगे देखिए, हर्यक वंश का फाउंडर, हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, बच्चे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी, बता कौन है, देखो यहां आप देखोगे शिशुनाग वंश का, तो बच्चे याद रखना ये नंदीवर्धन है, नंदीवर्धन के बाद एक महानंदिन बन, माफी चाहेंगे, महानंदिन है, वही मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे आप ही करते होगे क्या वेद जी, जब वीडियो खत्म होता है तो फिर मैं ही आपको कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो नंदीवर्धन या महानंदिन, नागदशक ना होगा, बिल्कुल याद रखना, क्या होगा, नंदीवर्धन या महानंदिन, माफी चाहेंगे ना इस क्वेश्चन का जवाब। तो हरिवंश का फाउंडर की बात करें कौन है, बिंबिसार, और बिंदुसार क्या है ये, तो ये मौर्य वंश का शासक, मौर्य डायनेस्टी का शासक, जो अशोक का पिता और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, और बिंबिसार
हरियक वंश का संस्थापक और हरियक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता डायनेस्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता डायनेस्टी कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। राजगृह से पाटलिपुत्र तक हरियक वंश की राजधानी को किसने स्थानांतरित किया? हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हरियंग डायनेस्टी फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र? उदयन, नागदशक, अजातशत्रु, बिंबिसार, कुशल नंबर 7। तो राजगृह से पाटलिपुत्र तक हरियक वंश की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। यानी पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की। ठीक है, याद रहेगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन, है ना। श्वेतांबर के नेता कौन थे भाई? हु वाज द लीडर ऑफ श्वेतांबर? चंद्रगुप्त मौर्य, स्थल बाहु गोसाल या भद्रबाहु? क्वेश्चन नंबर 8। तो श्वेतांबर के नेता कौन थे? स्थूल बाहु। एस फॉर श्वेतांबर, एस फॉर स्थूल बाहु। और भद्रबाहु की बात करें तो ये दिगंबर के नेता थे, दिगंबर के नेता थे। क्योंकि आपको याद होगा जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी जो व्हाइट ड्रेस पुट अप करते थे, दिगंबर यानी जो चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे। ठीक है, वह स्थान जहां बुद्ध प्रबुद्ध हुए थे, द प्लेस वेयर बुद्धा वाज इनलाइटेंड, कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी? क्वेश्चन नंबर 9। वह स्थान जहां बुद्ध प्रबुद्ध हुए थे क्या होगा? प्रबुद्ध यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। देखो चार स्थान है, यहां ज्ञान की प्राप्ति, यहां जन्म, यहां मृत्यु और यहां उपदेश। आई बात समझ में? तो लुम्बिनी में जन्म, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, यही तो बुद्ध कहलाए ना। सारनाथ में उपदेश दिया और कुशीनगर में मृत्यु हो गई इनकी। बोध गया यानी कहां? बिहार, निरंजना नदी के किनारे, फल्गु नाम से जानते हैं। महावीर की शिक्षाओं को किस नाम से जाना जाता है? द टीचिंग ऑफ महावीरा इज नोन एज त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग, बोथ 1 और 2, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, बोध गया से शशि सतीश, क्या बात है। तो महावीर की शिक्षाओं को हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग, ये बुद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म से है, ये बौद्ध धर्म से है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 त्रिरत्न, है ना। ऋग्वेद के सूक्त कहां रागबद्ध किए गए थे? वेयर वर द हिम्स ऑफ ऋग्वेद कंपोज? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 11। तो कहां किए गए थे? पंजाब में। क्योंकि जब आपको याद होगा, जब ऋग्वेद यानी आर्यंस, आर्य जब आए थे तो सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे, सप्त सैंधव प्रदेश। तो सब सैंधव प्रदेश यानी जहां सिंधु और उनकी 7 नदियां, तो पंचनद तो पंजाब है, यानी कहां पे? पंजाब में। ठीक है, याद रखना। बिल्कुल क्वेश्चन कहता क्या है, आप क्वेश्चन नहीं समझते हो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपको। जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कि आर्यंस कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से। ये कथन किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया से आए? ठीक है, तो कौन सा विद्वान मानते थे कि आर्यों का आगमन ध्रुवीय क्षेत्र से हुआ था? मैक्स मूलर, आर डी बनर्जी, बीजी तिलक, विजय स्मिथ? क्वेश्चन नंबर 12, अभी जो मैं पूछ रहा था। विच स्कॉलर बिलीव्ड दैट द आर्यंस हैज कम फ्रॉम आर्कटिक रीजन? बताइए बच्चे क्या होगा? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया की बात करेंगे हम, तो किसने कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था कि मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, और बीजी तिलक कहते हैं इनका आगमन आर्कटिक रीजन से हुआ था। अरे मैंने आपसे मध्य एशिया पूछा, आपने ऑप्शन देख के मैक्स मूलर लगा दिया। बताओ, सेंट्रल एशिया से मैक्स मूलर और बीजी तिलक हैं ध्रुवीय क्षेत्र से, पोलर से। एक क्वेश्चन आता है तिब्बत से भी, एक इतिहासकार ने तिब्बत से बोला, वो कौन थे? तारानाथ। तारानाथ याद रखिएगा, तारानाथ ने कहा तिब्बत से। ठीक है, आगे। माना जाता है कि महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों के लिए लड़ी गई थी? 14, 16, 18, 20? क्वेश्चन नंबर 13।
बताओ जल्दी। तो भाई कुरुक्षेत्र की महाभारत की लड़ाई 18 दिन लड़ी गई थी। कितने दिन के लिए? 18 दिन के लिए लड़ी गई थी। ये पिछले बार एनटीपीसी सीबीटी वाले ने पूछा था। हड़प्पा और ऋग्वेदिक समाज में सामान्य चीजें क्या थी? कांसा का उपयोग, घोड़ा, लोहा या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14। द कॉमन थिंग्स इन हड़प्पन एंड ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज। हड़प्पा और ऋग्वेदिक समाज में कॉमन चीज क्या था? तो क्या था भाई? कांसा का यूज। अब कुछ लोग ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे। आपको खुद सोचना चाहिए कि लोहे का साक्ष्य ना ऋग्वेदिक समाज में मिला ना हड़प्पा में मिला। कब मिला? उत्तर वैदिक सभ्यता में, लेटर वैदिक पीरियड में। उत्तर वैदिक सभ्यता में। और घोड़ा की बात करें तो उस हड़प्पा सभ्यता से केवल सुरकोटदा जो गुजरात में है, घोड़ा का जबड़ा मिलता है। क्या मिलता है? जबड़ा घोड़ा का। और ऋग्वैदिक काल में घोड़े की जानकारी जबरदस्त है। ब्रॉन्ज का यूज हड़प्पा में भी था और ऋग्वैदिक सभ्यता में था। तो तुक्का मत मारिए, चीजों को समझिए। तुक्का मारेंगे तो गड़बड़ होगा, ठीक है? रिकॉर्डेड क्लास। हाँ शुभम जी, ये रिकॉर्ड हुआ था आज से 4 साल पहले, जब आप तैयारी करना शुरू ही किए थे। देख रहे हो, ऐसे ऐसे महान पुरुष आते हैं। ये महान पुरुष का जन्म आसानी से नहीं हुआ भाई, बहुत प्रार्थना की गई है। एक से एक लोग मिलते हैं यार, दुखी आत्मा। निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई आकर्षण और मंत्र शामिल हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 15। एक से एक लोग मिलते हैं जीवन में, रिकॉर्डेड क्लास है वो। कितना मतलब सोचो, भविष्यवाणी है। तो बच्चों एक काम कर लो, इनसे जरा पूछ लो कि रेलवे का पेपर कब होगा। इनको सब पता है कि रिकॉर्डेड है, सब कुछ है। तो भैया शुभम भैया जरा बता दो कि एनटीपीसी का रिजल्ट 1 कब आएगा, ग्रुप डी एग्जाम कब होगा। क्या होगा भाई? अथर्वेद, भूत प्रेत टोना टोटका जादुई मंत्र सब किसमें? अथर्वेद में। निम्नलिखित में से किसके बीच तक्षशिला का प्राचीन शहर स्थित था? गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, इंडस, झेलम, कृष्णा, कावेरी। बताओ क्या होगा? बताओ बच्चे। इंडस, सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम। किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की? हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। किसने किया? तो शिशुनाग ने। देख लो, पाटलिपुत्र उदयन है और पाटलिपुत्र से वैशाली कौन है? शिशुनाग, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की, है ना? कौन सा शासक दूसरा परशुराम के रूप में सिरसंकित था? विच किंग इज टाइटल्ड एज सेकेंड परशुराम? महापद्मनंद, बिंबिसार, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 18। तो कौन सा शासक दूसरा परशुराम के रूप में सिरसंकित था भाई? महापद्मनंद। और याद होगा ये शूद्र शासक है, पहले शूद्र शासक जिन्हें दूसरा परशुराम या सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है। छत्रियों का नाश करने वाला है ना। चलिए मैं सब फॉलोइंग निम्नलिखित को मिलाइए, कूटिए। इसको बोलते हैं कूट 1, कूट 2। अगर आप जवाब सही होगा तो कूट देंगे, ना तो कूटाएंगे। अब देखते हैं कौन कूटा पाएगा या फिर कौन कूटेगा। थोड़ा जल्दी सर पढ़ाइए। अच्छा मृदुल जाना कहीं बेटा? अभी टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट बाद चले जाना, है ना? बोल दो, वेट कर लेगा। तो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 3, यानी परद्योत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजीत, कौशल, अजातशत्रु, मगध। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना? कूट दिया, क्या बात है। अरे यार आप तो कूटोगे भी बिल्कुल, इतने पढ़े हो, पढ़ाए हैं,
कूटना ही चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ उसके कैपिटल है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, असमक, कंबोज, वत्स, मत्स्य, विराटनगर, हाटक, पोटन, कौसाम्बी। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए क्या होगा, बता बच्चे मैच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित को मिला है। बेटा उल जुल क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब बिल्कुल नहीं दिखेगा, और अब तो और नहीं दिखेगा अगर ऐसा हालत रहा, हरकत रहा तो। देख रो ऐसे ऐसे नमूने दिखते हैं क्लास में, है ना, क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, असमक की बात करें तो क्या होगा, बताओ क्या होगा भाई, असमक का क्या होगा भाई, पोटन, कंबोज का हाटक, वत्स का कौसाम्बी, मत्स्य का विराटनगर। अच्छा जरा बताना कमेंट बॉक्स में, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन है दक्षिण भारत में, बताइए। असमक एकमात्र ऐसा है जो दक्षिण भारत में था, ठीक है, याद रखिए। बिल्कुल बराबर पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे, बौद्ध, आजीवक, श्वेतांबर, दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 11, तो बराबर पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दान का लाभार्थी कौन है, आजीवक। कौन है, आजीवक, जो कहां पर है ये, बिहार में जहानाबाद, जो अशोक ने बनवाए थे। अशोक के शिलालेखों और ब्राह्मी लिपि का सही अर्थ किसके द्वारा निकाला गया, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, मॉर्टिमर व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा, जेम्स प्रिंसेप, 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में, और पैंथलर, पॉद्रेट पैंथेलर हैं जो सबसे पहले खोजा अशोक के अभिलेख को, पैंथलर ने खोजा, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप अंग्रेजी विद्वान, प्राच्यविद और पुरातनपंथी थे, वे बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक, जर्नल के संस्थापक सदस्य थे, ठीक है, और इन्होंने भारत की खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों को समझने का काम किया। सिलोन के लिए अशोक का समकालीन शासक कौन था, हुवाज, अशोकाज, कंटेम्पररी रूलर फॉर सिलोन, मोगाली, पुत तिस मुतासिव, अभिया या देवानाम पियतिस। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, बता बच्चे क्या होगा, सिलोन के लिए अशोक का समकालीन शासक कौन था बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23, तो सिलोन के लिए अशोक का समकालीन शासक कौन है, देवानाम पियतिस, और इसीलिए अशोक अपने आप को अभिलेख में देवानाम पियदस्ती कहता है, क्या कहता है, देवानाम पिया अशोक ने सिलोन के शासक तिस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। देवानाम पियतिस मुतासिव का दूसरा पुत्र था, वह शासक बनने से पहले अशोक का बहुत जारी था, मित्र था, ठीक है। कौन सिकंदर महान के समकालीन था, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, सुंग, बिंबिसार, कोहिनी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, भाई सिकंदर के महान समकालीन की बात करें तो कौन, चंद्रगुप्त मौर्य भी था, याद रखिएगा। भले शासक ने पूछा, मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सिकंदर महान के समकालीन शासक है, पूछा है क्या, अगर शासक पूछते तो हम क्या लगाते, तब लगा देते आप धनानंद, तब लगाते धनानंद, क्योंकि भैया चंद्रगुप्त मौर्य भी तो समकालीन है ना। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन अशोक के काल में सौराष्ट्र का राज्यपाल था, तुषास्प, सुविशाक, पुष्यगुप्त, राधागुप्त। क्वेश्चन नंबर 25, तो कौन अशोक के काल में सौराष्ट्र का राज्यपाल था, तुषास्प, सौराष्ट्र कहां, गुजरात।
तो रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन नामक झील बनाए जाने का उल्लेख भी, सुदर्शन झील जो है किसने बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, याद रखिएगा। सातवाहनों ने मुख्य रूप से अपने सिक्कों को किस रूप में ढाला था, लेड, चांदी, सोना, कॉपर, क्वेश्चन नंबर 26। तो सातवाहनों ने मुख्य रूप से सीसा का सिक्का बनाया, बाकी बात चांदी का भी मिलता है, सोना का भी मिलता है, रांगा का भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से सीसा, याद रखना बिल्कुल। अंग्रेजों द्वारा गठित साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच, चौरी चौरा हादसे में जांच, संवैधानिक सुधार, क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइमन कमीशन दैट वाज कॉन्स्टिट्यूट बाय द ब्रिटिश, अंग्रेजों द्वारा गठित साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या है, अंग्रेजों द्वारा गठित साइमन कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में, 3 फरवरी 1928, याद रखिएगा। 7 सदस्य हैं, 7 अंग्रेज हैं, इसलिए इसका विरोध किया गया, इसीलिए व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। क्या कहा गया, व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। तो नवंबर 1927 में ब्रिटिश ने आगे के संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता की जांच के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की। आयोग ने संसद के 7 ब्रिटिश सदस्यों की रचना की, जिसमें कोई भारतीय नहीं थे। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, क्वेश्चन नंबर 28। क्या हो गया, सर आउटपुट इनपुट के बारे में एक क्वेश्चन पूछना था सर, बोर्ड ने मेरे 2 क्वेश्चन गलत मान लिया, मतलब क्या हो गया मीना जी, काहे परेशान हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इरविन का कार्यकाल निकालिए, 1926 से 31 है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है, असहयोग 1920 में होता है, खिलाफत 1917 में, 57, चंपारण सत्याग्रह 1917। तो वायसराय जरूर पढ़िए, क्योंकि वायसराय नहीं पढ़ेंगे तो चीजें निकल कर नहीं आएंगी, है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम दांडी मार्च कहते हैं, क्या कहते हो, दांडी मार्च कहते हैं, बिल्कुल। तो लॉर्ड इरविन के समय क्या क्या हुआ, देखो, बटलर कमीशन आया, जिन्ना का जो 14 बिंदु था, कांग्रेस का लाहौर सत्र, पूर्ण स्वराज भी घोषणा हुआ था 1929 में, लाहौर में रावी नदी किनारे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट कब होता है, 5 मार्च 1931, जिसको दिल्ली पैक्ट कहते हैं, है ना। Which of the following is not a part of त्रिपिटक, कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, जातक, सूत, विनय, अभिधम, क्वेश्चन 29। तो भाई कौन त्रिपिटक का अंग नहीं, जातक, ये भाई किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, पूर्व जन्म की कहानी की चर्चा है इसमें, जो किस फॉर्म में है, कविता के फॉर्म में, पोयम के फॉर्म में लिखा गया है। टोटल जातक की संख्या कितने, 547 जातक है, कितने जातक हैं, 547 जातक हैं, याद रखिएगा संख्या जातक की। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, निर्नयनाथ पुत्र अश्वजीत, संजय बेल्दुपुत, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्या होगा भाई इसमें, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी की चर्चा मिलती है ऋग्वेद में, ऋषभदेव यानी फाउंडर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। तो जैन तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, और भगवान ऋषभनाथ, आदिनाथ कहते हैं इन्हें, आदिनाथ कहते हैं, प्रथम तीर्थंकर उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, याद रखिएगा। तो ये था आज का सेशन माय डियर, उम्मीद करते हैं कि 30 में से 30 उठाया हुआ, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ रहता है, बस रिवीजन की कमी होती है, ठीक है। तो ये 2 दिन का फायदा आप जरूर उठाइए, जो स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है माय डियर, क्योंकि आप मेरे से जीएस पढ़ते हैं अनअकैडमी पे, 1240 में जो पढ़ा रहा हूँ, आपको जीएस में कहीं भी भागने की जरूरत नहीं, जीके जीएस में, ठीक है, बिल्कुल ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि एक बार तो आपको थ्योरी पढ़ना ही होगा, क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन नहीं होता, ये प्रैक्टिस के लिए मस्त है ना।
तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। ये तो ऑफर कल तक है माइडियर, 24 तक। अब देख सकते हो यहाँ प्राइस आपको काफ़ी कम कर दिए गए, 2 साल का, 1 साल का फीस जो भी है ना, इतना कम प्राइस में सारे सब्जेक्ट, सारे एजुकेटर जिनसे पढ़ना चाहो, ठीक है। और ये क्लास है शेड्यूल, अभी 4 बजे क्लास है अनअकैडमी पे, फिर 6 बजे क्लास है अनअकैडमी पे, 10 बजे क्लास है। अभी मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब जुड़ना जरूर, ठीक है ना। और ये देख लो कि भैया रैंक जो 1 से 3 है कैसे आएगा, तो आपको अनअकैडमी कॉम्बेट देने पर, प्रत्येक संडे दोपहर 12 बजे कॉम्बेट होता है, तो अनलॉक करने के लिए कोड BABA10 डालकर आप अनलॉक कर लीजिएगा, ठीक है। और एक फीचर है कि एजुकेटर से आप बात करके अपनी क्वेरी दूर कर सकते हो जिस भी सब्जेक्ट में, प्लस पे, ठीक है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड BABA10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो बच्चे तो लाइक करके जाना कम से कम। मिलते हैं फिर 4 बजे कहाँ, अनअकैडमी पे, फ्री स्पेशल क्लास में। उसका लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया, जय हिंद।